गाइस आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपके शॉर्ट्स वायरल ना हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आपके शॉर्ट्स 100% वायरल होंगे और इस ट्रिक का नाम है एसईओ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार शॉर्ट वीडियो का एसईओ करने से शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आते और शॉर्ट वायरल नहीं होते, मतलब कि एसईओ करने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ इस मेरे शॉर्ट पर 31 मिलियन व्यूज है, मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, उसके बाद एडिट बटन पे क्लिक किया। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन आ रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? अगर इनको लगाने से कोई फायदा नहीं होता तो कायदे में तो यूट्यूब को इनको हटा देना चाहिए, लेकिन यूट्यूब ने इनको नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स से शॉर्ट वायरल होती है। और देखिए मैं सही तरीके से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाता हूं, इसीलिए मेरे शॉर्ट्स पर 31 मिलियन 19 मिलियन 16 मिलियन इतने तगड़े व्यूज आते हैं। अब मैं आपको लाइव प्रूफ एग्जांपल के साथ में दिखाता हूं। मैंने अपने बाइक स्टूडियो को ओपन किया, यहां पर मेरा एक जो है शॉर्ट वीडियो है उस पर YouTube सर्च से अभी भी व्यूज आती है और आपके भी आएंगे, ठीक है। यहां पर मैं जो है उस वीडियो को ओपन करके आपको दिखाने वाला हूं। इस पर जो है अभी भी 48 आवर में आप जो व्यूज देखोगे आप चौंक जाओगे, 1,73,000 व्यूज आ रहे हैं। YouTube सर्च से कितना आ रहा है? 10,000। अब देखिएगा ये जो 10,000 व्यूज YouTube सर्च से आ रही है इसी की वजह से शॉर्ट फीड से 1,63,000 व्यूज आ रही है। अब आप सोचोगे कि यार SEO करने से होता क्या है, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। SEO करने से आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड सिस्टम काम करता है और YouTube का जो एल्गोरिथम है, YouTube का जो लर्निंग सिस्टम है, वो जो है आपके शॉर्ट वीडियो के कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट वीडियो को जो है ऑडियंस की होम पेज पर भेजता है। अगर कोई कॉमेडी शॉर्ट्स देखता है तो उसकी होम पेज पर YouTube जो है कॉमेडी शॉर्ट्स को भेजेगा, लेकिन उसके लिए SEO करना पड़ेगा। अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस देखता है तो YouTube उसके होम पेज पर जो है उस टाइप के उसके शॉर्ट फीड में भी उस टाइप के शॉर्ट्स को भेजेगा जो पढ़ाई से रिलेटेड होंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉर्ट आपकी बिल्कुल परफेक्ट ऑडियंस तक जाए तो आपको SEO तो करना पड़ेगा और उसके लिए आज के वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा इस परफेक्ट SEO करने के लिए आपको जो है परफेक्ट तरीके से अपने शॉर्ट को अपलोड भी करना पड़ेगा। तो आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहां पर आपको जो है एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। अब यहां पर आपको इसको जो है आप जब आप आगे पीछे करके देखोगे तो आपको यहां पर एक जो है थंबनेल सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो मैं जो है इस थंबनेल में इस लड़की को जो है सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि लड़की देखकर लोग बाग ज्यादा क्लिक करती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डन पर क्लिक कर दूंगा, सीधी बात नो बकवास। अब यहां से आपको जो है अनलिस्टेड में बिना टाइटल लिखे इस वाले शॉर्ट वीडियो को आपको अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करके आसानी से अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको बाइटी स्टूडियो वगैरह का यूज नहीं करना, सब कुछ यूट्यूब ऐप से ही करोगे। उसके बाद अबर वीडियोस पर क्लिक करोगे, अब यहां पर आपका जो शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड होने लगेगा। आप जो है अभी यहां पर कुछ नहीं कर सकते, पहले इस वाले शॉर्ट को आपको अपलोड हो जाने देना। अब गाइस जैसे ही आपका शॉर्ट अपलोड हो जाए आपको जो है 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद एडिट पर क्लिक करना है, सारा काम यहीं से करना है, ठीक है, बाइक स्टूडियो वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद में अपन जो है टैग्स लिखेंगे, ठीक है, और टैग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना शॉर्ट वायरल नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर डेट को हटा देना है। अब यहां आपको जो है एक सस्पेंस वाला टाइटल लिखना है, क्यों? क्योंकि अगर आपका शॉर्ट वीडियो किसी के होम पेज पर जाएगा तो वो जो है उसी को देखकर आपके टाइटल को देखकर आपके शॉर्ट पर क्लिक करेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं जो है इसको ट्रांसलेटर ऑन करता हूं और यहां मैं लिखूंगा आखिर लड़की ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं जो है थोड़ा सा स्पेस दूंगा, उसके बाद यहां पर एक डंडा लगाऊंगा, लेकिन डंडा लगाने से पहले यहां पर मैं एक इमोजी लगाऊंगा। इमोजी लगाने से आपके शॉर्ट वायरल हो सकते हैं क्योंकि आजकल जो है इंडिया की जनता को इमोजी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा गैप दोगे, उसके बाद यहां पर मैं जो है मेंशन करता हूं। मैं मेंशन क्यों करता हूं, मैंने यहां पर मिस्टर इंडियन हैकर को मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं जो है क्रेजी XYZ को मेंशन करूंगा। अब मैं मेंशन ही क्यों कर रहा हूं और कुछ क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन भी आपको मैं अभी बताऊंगा। और मैं यहां पर जो है सौरभ जोशी ब्लॉग्स को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं जो है डंडा लगाऊंगा, उसके बाद मैं #SHORTS एस आपको जो है ध्यान से लिखना है #SHORTS #shorts आपको लगा देना है, जिस पर 713 मिलियन शॉर्ट्स बन चुके हैं। अब आप जो है मेंशन करने की जगह
आपको स्क्रीन पर जो टाइटल दिख रहा है, ये जो वुडवर्किंग आर्ट स्किल वाला कीवर्ड है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और ट्रेंडी कीवर्ड है। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपका जो टाइटल है उसका काम खत्म हो चुका है। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप जो है सिंपली अपने ही टाइटल को जो है कॉपी करोगे, उसके बाद एड डिस्क्रिप्शन में जाके टाइटल को यहां पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो आपने मेंशन किए थे मिस्टर इंडिया नेकर क्रेजी एक्स वाई जेड, ये सब जो है हट चुके हैं, तो आपको जो है इनको कट करके आपको फिर से मेंशन यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। मेंशन करने से कुछ लोग बोलते हैं कि फायदा नहीं होता है। यार मैं आपको कैसे समझाऊं, एक एक छोटी से छोटी चीज YouTube पर जो है YouTube देखता है और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके शॉर्ट जो है किस रीजन की वजह से वायरल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने टाइटल को यहां पर पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा इस, मैं आपको सारी चीजें स्पीड में बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टाइटल लिखने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक लगाने हैं, ठीक है। कैसे लगानी है और ये जो फॉर्मेट में मैं लगा रहा हूं ये आपको काम लेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सोशल मीडिया के लिंक लगाने के लिए जैसे मैंने यहां पर एक ही बार में लगा दिए, सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद मेरा मेन चैनल, उसके बाद मेरा ब्लॉग चैनल, उसके बाद मेरी बिजनेस वाली मेल आईडी। अब इतना आपको करने के बाद आपको जो है कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन करना होगा। मेंशन करने के लिए आप जो है कुछ नहीं करेंगे, जैसा मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आप जो है इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये जो यूट्यूबर के नाम आपको यहां पर जितने भी लिखे दिख रहे हैं ये जो है सही तरीके से मेंशन हुए ही नहीं है। आपको जो है बन बाई बन करके इसको जो है बारीकी से एक बार काट के बिल्कुल, जैसे अब मैं यहां पर ए एन के लिखूंगा, ठीक है, ए ई लिखूंगा, उसके बाद ई एस एच, ठीक है, शायद से गड़बड़ हो गया। आपको जो है बारीकी से ध्यान देना है, मैं यहां पर फिर से अंके से लिखूंगा, ठीक है, और धाकड़ लिखूंगा। तो यहां पर मेरा चैनल आ गया। अब ये मेंशन हुआ है, जब मेंशन हो जाता है तो ऊपर जो है खबर टाइप का आ जाता है, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मेंशन करने के बाद आपको फिर से नीचे आना है, इसके बाद में आपको जो है एज टैग्स लगानी है, ठीक है। तो एज टैग लगाने के लिए आप जो है जैसे मैंने यहां पर लिख रखे हैं एज टैग, तो ये जितने भी एज टैग आपको दिख रहे हैं इतने एज टैग आपको भी अपने शॉर्ट्स में लगानी है। उसके बाद मैं जो है क्या करूंगा, फिर से क्लिप बोर्ड में जाऊंगा, मैंने सारी चीजें पहले से लिख रखी है। आपको ये पूरा जो फॉर्मेट है वो कहां मिलेगा आगे बताऊंगा। अब मैंने लास्ट में डिस्क्लेमर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो डिस्क्रिप्शन है आपको दिखाई देगा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं जो है इस वाली लाइन को कॉपी करके जहां मैंने मेंशन किया था वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, टाइटल, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक, मेंशन, एज टैग्स और डिस्क्लेमर। यहां पर अभी मैंने आपको बताने के लिए मेरे अकेले के चैनल को मेंशन किया है, आपको बन बाई बन करके सबको करना है। अब आपके डिस्क्रिप्शन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड गाइस, अगर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऐसा का ऐसा चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पर अंकेश धाकड़ सर्च कर लेना, आपके सामने आ जाएगा, 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है। आपको टेलीग्राम पर इसको जो दबा के रखोगे यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरीके से आप जो है डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख पाओगे। ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट टैग्स का सिस्टम बताता हूँ। तो टैग्स में सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम डालना है, ठीक है। तो मैं जो है अपने चैनल का नाम डालूंगा अंकेश धाकड़ शॉर्ट, टैग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, टैग्स से आपके शॉर्ट वायरल होंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई और चैनल है, ठीक है, तो आपको उसका भी नाम डाल देना, जैसे मैंने अपने मेन चैनल का नाम डाल दिया। उसके बाद मैं अपने यहां पर ब्लॉग चैनल का नाम भी डाल दूंगा। आगे मैं आपको ऐसे टैग्स बताने वाला हूं जिनसे डायरेक्ट शॉर्ट वायरल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने जो टाइटल का जो ऊपर का कीवर्ड था उसको आपको कॉपी करना है, वापस से आपको टैग्स में यहां आके उसको जो है यहां दबा के रखोगे तो पेस्ट करके आपको यहां पर उसको डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे वेट फॉर एंड। अब ये वेट फॉर एंड क्यों, क्योंकि ये एक पॉपुलर ट्रेंडिंग कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे, जैसे मैं जो है अपने चैनल पर गेम्स वगैरह के शॉर्ट डालता हूं तो मैं जो है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड डालूंगा, मैंने डाल दिया गेम, उसके बाद मैं गेम्स डाल दूंगा। और मेरे चैनल पर जो शॉर्ट है वो चैलेंज वाले शॉर्ट है, चैलेंज वाले, ठीक है। तो मैं यहां पर जो है चैलेंज डालूंगा और यहां पर मैं जो है चैलेंजेस डालूंगा, ठीक है। अब मेरे चैनल की और क्या कैटेगरी है, जैसे फैक्ट मेरे चैनल की कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगा अमेजिंग फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मैं अपने चैनल पर कभी कभी इमोशनल स्टोरी डालता हूं, ठीक है, तो मैं डालूंगा स्टोरी और सैड दुखी वाली स्टोरी, ठीक है। उसके बाद मैं यार मैं डालता हूं, देखो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम ये चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई साहब मेरी आदत है, ठीक है, तो मैं डाल देता हूं। उसके बाद आपको जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम डालना है, मैं जो है तीन बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम डालता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर डाल दूंगा, ठीक है, मिस्टर इंडिया नेकर एंड क्रेजी एक्स बाय जेड,
उसके बाद में सौरभ जोशी ब्लॉग्स, ठीक है मैंने डाल दिया। उसके बाद यहां से मेन खेल स्टार्ट होता है। अब मैं यहां पर जो YouTube के ऑफिशियल टैग्स है वो डालूंगा। पहला है ये जो कैपिटल हो गया शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट्स, उसके बाद YouTube शॉर्ट्स, उसके बाद YT शॉर्ट्स, उसके बाद ट्रेंडिंग, उसके बाद वायरल, उसके बाद ट्रेंडिंग, ये सब आपको डालना है ठीक है। ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, उसके बाद वायरल शॉर्ट्स, तो इस तरीके से जितने भी टैग्स हैं वो आपके यहां पर शो हो जाएंगे ठीक है। टैग्स लग गए, डिस्क्रिप्शन लग गया, टाइटल लग गया, उसके बाद आपको जो है सेव पर क्लिक कर देना है, आपका SEO कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए भाई, ये बंदा अपने शॉर्ट चैनल से 4 लाख रुपए महीना कमाता है, आखिर कैसे? अगर आपको जानना है तो अभी के अभी यहां क्लिक करो एंड इस वीडियो को जरूर वॉच करना। आपको शॉर्ट वायरल सीखने को मिलेगा, YouTube पर क्या वायरल होता है वो सीखने को मिलेगा, शॉर्ट से आप कैसे कमाई करोगे वो सीखने को मिलेगा। अभी क्लिक करो एंड इस वीडियो को जरूर वॉच करना।